हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपना ससुराल का व्लॉग आपके लोगों के साथ शेयर करूं। सो सॉरी, काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो मैं इसको शेयर कर देती हूं और आप लोग भी देख लेंगे कि कैसा है वहां पे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा है मेरे ससुराल का पूरा नज़ारा। और आप लोग देख सकते हैं, अभी सुबह का टाइम हो रहा है यहाँ पे, मतलब पहले का है उस टाइम पे। और काफ़ी अच्छा मौसम है, ठंडा है, हल्की हल्की सी धूप निकल रही है। और अभी अभी खेतों में आजकल गेहूं बो रखे हैं, तो अभी नहीं निकल रखे हैं। और ये है रास्ता यहाँ का, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अपना ससुराल का पूरा, मतलब जितना हो सकेगा मैंने जितना वीडियो बनाया है उतना पूरा आपको, चलो हाँ, पूरा ससुराल टूर करा देती हूँ मैं आपको। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो चलो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, मुँह भी नहीं धोया है जितने दिन से घर आए हैं। तो गाइस, करते हैं यहाँ से स्टार्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबू खड़े हैं, और यह है हमारे दादा दादी के टाइम का घर है। और ये काफ़ी अच्छे घर होते हैं, अंदर से पूरी मिट्टी होती है, कोई सीमेंट वगैरह नहीं होता है इनमें। और ये गर्मियों में काफ़ी, मतलब ठंडे रहते हैं, और ठंड में काफ़ी गर्मी, मतलब काफ़ी अच्छे रूम रहते हैं, ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती यहाँ पे, और कुछ इस टाइप के हैं। और जहाँ बाबू खड़े हैं वहाँ पर हमारे भगवान जी रहते हैं। तो हम लोग के यहाँ पे इस दिन पाठ था, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे हैं अभी। और जो अभी अंदर गए वो हमारे चाचा जी हैं, वो वाला हमारा बुआ का घर है, और उसके बगल में हमारा चाचा जी का घर है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, और ऊपर को आपको पूरा जंगल दिखेगा, ये देखिए। तो कुछ ऐसे होते हैं हमारे गाँव के घर। और आपको यहाँ पे चिड़िया वगैरह की चहकने की आवाज़ सुनाई देगी, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है गांव में रहने से। और ये देखिए, वहाँ पे हल्की हल्की धूप आने लगी है ऊपर पे, ऊपर जो जंगल है। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर में गाइस। तो हम लोग सबसे पहले आए हैं गोल देवता के मंदिर में, और जिसके आप लोग देख सकते हैं, और जो भैया और मतलब जो दादा हैं वो और बाबू यहाँ पे भगवान जी को स्नान करा रहे हैं। उसके बाद मंदिर की थोड़ा बाहर पे साफ़ सफाई कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे भगवान जी को टीका लगा रहे हैं। एक्चुअली जो गेट है वो लॉक है, और हम लोग को की नहीं मिला, तो इसलिए फिर हम लोग अंदर नहीं जा पाए, तो हम लोगों ने बाहर से पूजा कर दी थी। एक्चुअली मैं यहाँ पे, शादी के बाद हम लोग सारे मंदिर जाते हैं, तो हम लोग तो सेकेंड टाइम गए थे, और ये न्यू कपल है, न्यू ब्राइड, तो इन लोग को जाना ज़रूरी था, तो हम लोग को भी पार्ट करना था। तो हमारे मम्मी पापा ने बोला था कि आप लोग भी चले जाओ, तो इसलिए हम लोग भी गए हैं। तो कुछ हो गई इन लोगों की पूजा, और यहीं से दादा ने भगवान जी को भी चढ़ा दिया है, क्योंकि हमारे पास की नहीं, तो हम लोग ओपन नहीं कर पाए। यहाँ पर ये लोग अभी अगरबत्ती और धूप जलाने के लिए रेडी हैं। तो दादा बना रहे हैं धूप को, पतला पतला कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, और यहाँ पे है भाभी खड़ी हैं। एक्चुअली वो न्यू दुल्हन है, तो उनको ज़्यादा पता नहीं है अभी क्या करना है क्या नहीं, तो थोड़ा सा शर्माई भी होंगी, और ऊपर से उनको लग गए थे बहुत सारे कांटे, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा थी उधर, और जिसकी वजह से हम लोग को बहुत सारे कांटे लग गए थे। एक तो उन्होंने साड़ी पहनी थी, इतना सब कुछ शादी के बाद ये सब पहन के जाना पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ पर हवन होता है, तो यहाँ पर भी बाबू अगरबत्ती जला रहे हैं, और इनके पटर पटर हमेशा शुरू ही रहती है। उसके बाद ये दोनों दूल्हा दुल्हन अपनी पूजा वूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं और जो जेठानी जी हैं, वो ये छोटा सा मंदिर है एक नीचे, मुझे पता नहीं है यहाँ पे कौन से भगवान जी हैं, तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। बाकी तो बड़े बड़े पुजारी हैं हमारे साथ, वही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस मंदिर में बस यहाँ पे पंडित जी भी नहीं आए थे हमारे साथ, ऊपर से ये मंदिर लॉक था, तो हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं लगाई, क्योंकि हमें दूसरे मंदिर में जाना था, और वहाँ पे पंडित जी वेट भी कर रहे थे। तो आ गए हैं हम लोग, यहाँ से निकल रहे हैं अभी। तो हम लोग आ गए हैं अभी भगवती मंदिर, और मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, ये हैं पंडित जी, और बोल रहे हैं क्या हो गया है। तो मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मैं बता रही हूँ ना, ये हमारे पंडित जी हैं। और काफ़ी अच्छी धूप आ रखी है, बहुत ठंड है, ऊपर से यहाँ पे काफ़ी लेट में धूप आती है, क्योंकि बहुत डाउन में है, तो अभी अभी धूप निकल रखी है। काफ़ी मज़ा आ रहा है धूप सेकने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और ये देखिए, यहाँ पर सारे पेड़ वेड़, पूरा जंगल जंगल सा है, दो थोड़े थोड़े ही घर हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से इतने डाउन में है हमारे घर, और अभी हम लोग आए हैं मंदिर में। बट अपने पहाड़ की बात कुछ अलग ही होती है, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि धूप ठंडा सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे। और जो पार साइड है वहाँ पे रोड है, यहाँ से थोड़ा पैदल जाना पड़ता है। और तो यहाँ पे है हमारी न्यू भाभी जेठानी जी खड़ी,
तो आप लोग बताना आपको कैसी लगी हमारी नई दुल्हन, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी माता रानी की मूर्ति और हमारी अंदर भाभी हैं, वो लोग आरती के लिए वेट कर रही हैं भैया का, भैया बाहर पे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों कर रहे हैं आरती, क्योंकि पहले एक एक करके आरती करनी है, उसके बाद हम लोग को पाठ में बैठना है। तो यहाँ पे भैया भाभी की आरती होने के बाद हम दोनों चले गए हैं और हम लोग मतलब माता रानी की आरती कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद माता रानी की आरती करने के बाद हम लोग सब लोग बैठ जाएंगे बाहर पे और पंडित जी करेंगे कथा, मतलब पाठ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पाठ के लिए बैठ गए। एक्चुअली मैं सोच रही थी हम लोग की वीडियो कैसी बनेगी, क्योंकि मैं ट्राईपॉड भी नहीं लेके गई थी ऊपर, तो फिर इतने में मेरी ननद आ गई थी, क्योंकि उनका भी फ्राइडे का फास्ट था। तो फिर हमारा अच्छा हो गया था, क्योंकि मैं बहुत जगह मैं ट्राई कर रही थी कि मैं यहाँ पे रखूँ वहाँ पे रखूँ, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर थोड़ा सा मैंने उनको बोला कि आप ही वीडियो ले दो। तो उसके बाद यहाँ पे दादा और बाबू कर रहे हैं आसन सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे हमारी पार्टी स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली जहाँ गोलदेवता का मंदिर था वहाँ पंडित जी नहीं आए थे, क्योंकि वो थोड़ा चढ़ाई में था, तो वो चलने बोलने मैं थक जाऊँगा, तो पंडित जी यहाँ पे वेट कर रहे थे हम लोगों का। तो अभी आप लोग सोचेंगे कि भाभी ने साड़ी पहनी है, मैंने नहीं पहनी मंदिर में अभी, तो मैं जल्दबाजी में रेडी हुई थी और फिर इतना कुछ मायने नहीं रखता है, दुपट्टा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर इतना साड़ी वाड़ी का कुछ ज़्यादा मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं है, वो तो न्यू भाभी न्यू दुल्हन है, तो एक दो दिन पहनना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रही है पाठ और पंडित जी कर रहे हैं यहाँ पे पाठ आठ कर रहे हैं। एक्चुअली सो सॉरी गाइस, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ये व्लॉग डालने का, बट अभी मैंने कंटिन्यू कोई ना कोई वीडियो डाला था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो मैं डाल दूँगी। फिर कल मुझे फिर से रिक्वेस्ट मतलब कमेंट्स आए थे, तो चलो मैंने कहा आज मैं आप लोग को ये वीडियो मतलब ये वाला व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों का कैसा, आप लोगों को कैसा लगा हमारा गांव। मतलब जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो उसी हिसाब से और वीडियोस बना के लाऊंगी, क्योंकि इस बार मैं बहुत बीमार हो गई थी, जिस वजह से मैं वीडियो वगैरह ज़्यादा बना भी नहीं पाई थी और घर से कहीं गई भी नहीं, तो इस वजह से ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना पाई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग की चल रही है पूजा, और एक्चुअली और हम लोगों को ना यहाँ पे वो भी चढ़ाना था, माता रानी का जो झंडा होता है वो भी करना था। तो इसी वजह से मैं अपनी शादी के बाद आज सेकेंड टाइम इस मंदिर में आई हूँ। अभी मेरी शादी को 2.5 साल हो चुका है। एक बार शादी के नेक्स्ट 2-3 दिन बाद जब आते हैं, जैसे भैया भाभी आ रखे हैं वैसे ही हम लोग भी आए थे और आज सेकेंड टाइम आए हैं, क्योंकि हम लोग गाँव जाते नहीं हैं, तो और फिर गाँव जाते नहीं हैं तो मंदिर भी नहीं जा पाते हैं, इसलिए इस बार काफ़ी दिन रह भी गए थे 10-12 दिन, तो इस वजह से हम लोग मंदिर वंदिर सब लोग चले गए थे। लेकिन सारे प्लान फेल हो गए थे मेरे, क्योंकि मैं कहीं भी नहीं घूम पाई थी, कुछ रीज़न था। अगर आपको जानना है क्यों, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी मेरे साथ क्या हो गया था। तो बस यहाँ पर हम लोग की पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद मैं जाऊँगी घर, क्योंकि मुझे और ये लोग बाकी लोग और भी मंदिर जाएंगे, बट मुझे घर जाने के बाद ये हो गया था कि मेरे को नहीं जाना है नीचे मंदिर बाकी मंदिर में, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसी वजह से। तो मैं यहाँ पे छोटू को बोल रही हूँ बस हो गया। तो चलिए हम लोग आ गए हैं घर और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ अपना रूम भी। तो ये है हमारे मतलब फर्स्ट रूम है जो कि ऐसा है, और ये जो भी सोफ़ा और वो ड्रेसिंग दिख रहा है ये हमारी मम्मी पापा की शादी का है, बेड तो बाद में लिए है शायद हमारी शादी के टाइम पे। तो यह फर्स्ट वाला रूम है हमारा, कुछ इस तरीके से है। हम लोग कम ही जाते हैं तो, बट फिर भी काफ़ी अच्छा है और मम्मी काफ़ी अच्छे से रखती हैं। और फिर ये हमारा सेकंड रूम है जहाँ पे एक फोल्डिंग और एक बेड लगा हुआ है, कुछ बक्से वगैरह रखे हुए हैं। और ये है हमारा मंदिर, जो कि हमारी मम्मी मंदिर को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट रखती हैं, क्योंकि मम्मी काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करती हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोग को पूरा दिखा देती हूँ। उसके बाद मैंने आने के बाद कपड़े वपड़े चेंज करके अब मैंने तो पूरा रूम वगैरह का ले लिया था। एक्चुअली पूरा इसलिए नहीं ले पाई, बाहर पे काफ़ी सारे लोग बैठ रखे थे, तो एक डोर यहाँ से है और आगे को हमारा ये आंगन है, ये देख सकते हैं। और जहाँ पे कलर किया है वहाँ पे हमारा तुलसी का पौधा है, तो कुछ इस तरीके का, और आम के पेड़ वगैरह, और वो हमारा वॉशरूम टॉयलेट बाथरूम है। तो हम लोग चेयर वगैरह बाहर पे रखते, काफ़ी अच्छी धूप रहती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मैं करने लग गई हूँ कपड़े वपड़े फोल्ड, और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल पैक होके, बहुत ठंड है इसी वजह से। तो मैं कपड़े उठा के लाई थी बाहर से, तो सोचा चलो मैं हाथों हाथ अपने कपड़े भी फोल्ड कर देती हूँ। और फिर बाकी लोग बाहर पे बैठ रखे थे, तो फिर मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा था बाहर पे बैठना, तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ काम ही कर लेती हूँ। और सॉरी गाइस, बाहर से आवाज़ आ रही होंगी, आप लोग इतना माइंड मत करना, पता नहीं कुछ बेचने वाला आ रखा बाहर से, क्योंकि मैं ना इसको अभी मतलब विशाखापट्टनम आने के बाद ही
रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे अपने कैम मोबाइल को सेट कर रही थी कि मैं कहाँ पे रखूँ, कहाँ से अच्छा सा आएगा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सारे फोल्ड कपड़े अपने फोल्ड कर चुकी हूँ ऑलमोस्ट। तो ये देखिए कितनी बार मैंने अपना कैमरा घुमा चुकी हूँ, और मैं काफ़ी मोटी लग रही हूँ ना, घर पे सूट वूट पहन के, स्वेटर वगैरह पहन के पूरा पैक हो रखी हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम भी हो गया था घर पे इसी वजह से। तो चलिए आगे दिखाती हूँ। और जो ये किचन है उसके बगल में हमारा वाला रूम है, अपना वाला रूम मैं अभी नहीं दिखाने वाली हूँ। तो ये है हमारा किचन, और ये सीमेंट का है, बट मम्मी ने फिर भी इसके बाहर से मिट्टी वाला किया है क्योंकि नहीं तो काला हो जाता है, तो मम्मी इसको डेली ऐसा करती हैं। और ये है अगेठी हमारी जो कि टेम्परेरी है, मतलब हम लोग इसमें आग वगैरह सेकते हैं, खाना तो हम लोग गैस पर ही बनाते हैं, तो इस वजह से। और मैंने यहाँ पे लाइट ऑन नहीं कर रखी, तो आप लोग माइंड मत करना। और ऊपर बर्तन वगैरह रखे हैं कुछ, और ये गैस के अगल बगल मैंने इसलिए फैला रखा है क्योंकि जस्ट उस टाइम पे मैंने चाय बनाई थी, तो पूरा फैल रखा है, तो इट्स ओके चलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा ससुराल टूर कैसा लगा आप लोगों को। और बाकी क्या बोलूँ फिर, जो ये साइड में जो घर दिख रहा है ये हम लोग का घर है ये वाला, और बाकी कुछ नहीं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना यार प्लीज़। हाँ, और गाइस अगर आपको शादी वाला वीडियो देखना होगा, हमारे गांव में शादी कैसे होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आप लोग के साथ वो वाला वीडियो भी शेयर कर दूँगी जितना भी मेरे पास है उसकी क्लिप्स। और दूसरी बात, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों को गिव अवे के रूल समझ में नहीं आए हैं, अगर नहीं आए हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, मतलब फिर से मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको शादी वाला ब्लॉग देखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।